हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको 9 नंबर हर जगह दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो एंजल नंबर है, जैसे इसको एंजल नंबर का बोलते हैं, जब हमें 9 डबल में दिखाई दे, ट्रिपल में दिखाई दे, 4 बार 9 दिखाई दे, तब हम इसको एंजल नंबर बोलने लग जाते हैं। तो ये एंजल नंबर 9 अगर हमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? 9 अगर हमें दिखाई दे रहा है बार 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 बार, हमने उठाकर देखा अपना फोन, 99% बैटरी, रात में 9:09 पर हम फोन देख रहे हैं, सुबह के 9:09 पर एग्जैक्ट हम फोन देख रहे हैं, घड़ी में 9:09 हो रहे हैं, बाहर निकले तो गाड़ी का नंबर 999। ये तो कुछ कॉमन जगह है, बाकी आप बहुत सारी जगहों पर हम नंबर्स देखते हैं, तो आपको हर बार ये 9 नंबर की सीरीज आपको दिखाई दे रही है, नोट के ऊपर दिखाई दे रही है 999 का सीरीज, कुछ भी कहीं पर भी अगर आपको ये 9 की सीरीज दिखाई दे रही है और बार बार प्रकृति आपको इस 9 नंबर से को दिखा रही है, बार बार दिखा रही है, बार बार आपका ध्यान लेके जा रही है प्रकृति इस 9 नंबर की तरफ, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रही हूं ना, ये आपको कहीं पूरे यूट्यूब में छान मारो कहीं नहीं मिलेंगी, गूगल पे सर्च कर डालो कहीं नहीं मिलेंगी, इनफैक्ट हर जगह पर वही एक सेम चीज घुमा फिरा के वही सब बता रखे, लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूं ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड का, यू नो, दीज आर लाइक पार्ट ऑफ माई रिसर्च, इतने सालों से जो मेहनत की है ना उस रिसर्च का निचोड़ है, जो ये निचोड़ मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको 9 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेशन है, कंट्रोल योर मूड्स, कंट्रोल योर एंगर, अपने एंगर को कंट्रोल करो। और जैसे ही आप अपने एंगर को कंट्रोल करोगे, कुछ बहुत अमेजिंग स्टार्ट होगा, कुछ बहुत पुराना खत्म होगा और कुछ बहुत अमेजिंग स्टार्ट होगा। 9 नंबर कंप्लीशन है बेसिकली, 9 नंबर कहता है कि कंप्लीट हो जाएगा, जो हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो वो कंप्लीट हो जाए और कुछ नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करो। हो सकता है कि कोई बहुत लंबे समय से बीमारी चली आ रही है और अब आपको 9 9 9 9 नंबर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि वो बीमारी का एंड हो जाए, सुखद एंड हो जाए वो बीमारी का, वो बीमारी खत्म होने वाली है। अगर कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप चला आ रहा है तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म हो जाए। तो ये 9 नंबर इज द नो कम, ये इंडिकेशन है कि लाइफ में कुछ बहुत खराब चीज खत्म होने की तर्ज पर है, कुछ बहुत खराब चीज, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, अच्छी चीजें खत्म होने की तर्ज पर नहीं है कुछ, क्योंकि ये एंजल नंबर्स हैं, ठीक है। तो कुछ बहुत खराब चीज जिसने आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा था, जिसने आपकी लाइफ में तहलका मचा रखा था, तबाही मचा रखी थी, वो खत्म हो जाएगी अगर आपको 999 बार बार दिखाई दे रहा है तो। और जिस चीज से आप बहुत परेशान हो, बहुत टाइम से दिमाग में कुछ बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी, कुछ चीज़ें चल रही हैं जो लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, उनका एंड होने वाला है। तो अगर 999 आप देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी 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 गुड साइन, क्योंकि लाइफ से टॉक्सिक चीज़ें फ्लश आउट होने वाली है। टॉक्सिक चीज़ों का मतलब क्या है? लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो चली आ रही हैं बहुत समय से, वो उनको बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। इस चीज़ को और ज़्यादा, क्योंकि 9 एक बहुत ही प्योर और बहुत ही सेक्रेट नंबर है, बहुत ऑस्पिशियस नंबर है। सेक्रेट मतलब बहुत ही, सेक्रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, पवित्र नंबर है। सेक्रेट बहुत पवित्र नंबर है और बहुत ही शुभ नंबर है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा सा इसके साथ मेडिटेशन करेंगे तो ये आपको काम करने में, आपको बैलेंस करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। मेडिटेशन कैसे करते हैं? मेडिटेशन सिंपली आप अपनी बैकबोन सीधी करके बैठ जाएं, और मेडिटेशन करने के लिए मैंने एक ऑडियो ट्रैक्स बना रखे हैं इस नंबर पे, जो नंबर दिया हुआ है आपको, इस नंबर पे आप सिंपली व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप क्या करें कि मुझे ऑडियो ट्रैक्स, मेडिटेशन के ऑडियो ट्रैक्स भेज दिए जाएं। आपको मेडिटेशन के ऑडियो ट्रैक्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिए जाएंगे मेरी तरफ से। आपको सिंपली क्या करना है, सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करनी है 5 मिनट की, केवल 5 मिनट का ऑडियो ट्रैक है, ठीक है ना, और रात में सोने से पहले 5 मिनट का ऑडियो ट्रैक है, मेडिटेशन करके सोना है। आपका ये जो एंजाइटी है, ये क्योंकि बहुत समय से बहुत परेशान चल रहे हैं आप, तो ये जो आपकी एंजाइटी है ये अपने आप बैलेंस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और आप जो चीज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही सुंदर वे में ख़त्म होगी अगर आप इसको मेडिटेशन करके बैलेंस कर लेंगे तो। और ये 9 नंबर बहुत ज़्यादा यू नो अच्छा नंबर माना जाता है, कि अगर आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो दैवी शक्तियाँ आपको ये बताना चाह रही हैं कि ओके बेटा, बहुत हो गया, बहुत सह लिया तूने, बहुत इश्यूज देख लिए, अब
समय है बाहर निकलने का, अब समय है बाहर निकलने का, चलो बाहर निकलते हैं और खुशी से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ 9 नंबर के ऊपर तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन 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 क्या आप ट्यूसडे और सैटरडे को जो वास्तु क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर होती हैं, क्या आप वो देख रहे हो? मैं सीरियसली मैं चाह रही हूँ यार, आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। अरे लोगों को दिखाओ, अगर आप देख रहे हो, मुझे पता है आप देख रहे हो, लोगों को दिखाओ, लोगों को बताओ कि सही वास्तु का मतलब सिंपली ये नहीं है कि आपने घर वास्तु के हिसाब से बना लिया, वास्तु का मतलब है कि आपने घर में सही सामान सही जगह पर रखे हैं। कितने लोग हैं आपके आसपास में जो बिना बात की प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, सिर्फ गलत सामान को गलत जगह पर रख के झेल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सारे लोग हकदार हैं कि उनको सही नॉलेज मिले, और जो हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाया गया, हमारे कॉलेजेस में नहीं सिखाया गया, वो हम जाने समझें। इस चैनल को आपने मुझे पता है सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन भी दबा दिया आपने, लेकिन बाकी लोगों को करवाओ यार, बाकी लोगों को करवाओ अब, और उनको एक्चुअल में पता लगने दो रियल पावर ऑफ वास्तु। मैं सचमुच में चाहती हूँ कि इस दुनिया का हर आदमी वास्तु की ताकत को जाने, इस दुनिया का सीरियसली में इस दुनिया का हर आदमी वास्तु की ताकत को जाने कि वास्तु में कितनी बड़ी ताकत है। आप एक्सपीरियंस कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए। इस क्लास को शेयर मत करना, ये जो ये वाला वीडियो है इसको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरी वास्तु की क्लासेस हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे कि हर कोई बेनिफिट पहुंच, मतलब हर किसी को वो बेनिफिट पहुंच पाए, हर कोई फील कर पाए द रियल पावर ऑफ वास्तु। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।